नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज हम लोग बात करेंगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रांड एम्बेसडर की। इस वीडियो में हम लोग ब्रांड एम्बेसडर 2021 के बारे में, जितने भी अभी तक 2021 में ब्रांड एम्बेसडर आए हैं, सभी को एक ही सिंगल वीडियो में कवर करूंगा। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना है दोस्तों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोज आ रही हैं आजकल, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। अभी पिछली वीडियोज की बात करें तो बुक्स एंड अर्थर की वीडियो आई है, जी सेवन समिट की वीडियो आई है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आई है, फ्रेंच ओपन आई है और इतिहास की सीरीज चल रही है। इन सब वीडियोज को आप पा सकते हो बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, पिछली वीडियोज को जाकर के देखिए, मिस ना होने पाए। डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए कौन सी लेटेस्ट वीडियो आई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे दोस्तों, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, लाइक जरूर कर दो, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, पता लगता है कि आपको वीडियोस कितनी हेल्पफुल हो रही हैं आपके लिए। और जो लोग आप लोग जो भी कमेंट करते हो उसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूं, तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि अगली वीडियो कौन सी टॉपिक पर होनी चाहिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले ब्रांड और उनके एम्बेसडर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, बिलीव इन स्पोर्ट ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा, IOC के द्वारा दोस्तों एक कैंपेन चलाया गया बिलीव इन स्पोर्ट, और इसका एम्बेसडर बनाया गया PV सिंधु और मिशेल ली को। किसे? PV सिंधु और मिशेल ली को। देखिए ये PV सिंधु हैं और ये हैं मिशेल ली, दोनों ही बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। PV सिंधु दोस्तों भारत की हैं और करंट टाइम की वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन हैं। 2019 में इन्होंने जीता था और 2020 वाला हुआ ही नहीं, तो करंट टाइम पर ये वर्ल्ड चैंपियन है। ठीक है, तो मिशेल ली के बारे में अगर बात करें तो ये कनाडा की हैं। कहाँ की हैं? कनाडा की हैं, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो इन दोनों को दोस्तों बैडमिंटन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, साथ ही साथ स्पोर्ट्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए और इसकी इसमें लोगों का विश्वास पैदा करने के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। क्लियर, अगला देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माइलैब जो कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अक्षय कुमार। माइलैब दोस्तों एक मेडिकल डिपार्टमेंट से संबंधित एक कंपनी है और इसी कंपनी ने, अगर आपको याद हो तो मार्च 2020 में जब भारत में लॉकडाउन लगा तो सबसे पहले कोविड टेस्टिंग किट इसी ने डेवलप किया था मार्च 2020 में। कब? मार्च 2020 में सबसे पहली भारत की कोविड टेस्टिंग किट। अच्छा, एक और उपलब्धि इसकी हासिल हुई अभी मई 2021 में। कब? मई 2021 में, ये मार्च 2020 में, अब मई 2021 में इसने भारत की पहली सेल्फ कोविड टेस्टिंग किट लॉन्च की, यानी ऐसी कोविड टेस्टिंग किट जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति, कोई भी कोरोना मरीज खुद ही टेस्ट कर सकता है। उसका नाम इसने रखा कोवी सेल्फ। क्या? कोवी सेल्फ रखा। तो माई लैब ही ये किया था और अब इसको प्रमोट करने के लिए अब अक्षय कुमार को बनाया है ब्रांड एम्बेसडर। अगला, SSK के दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर हैं क्रिकेटर रविंद्र जडेजा, ये एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंपनी है। अगला देखते हैं प्यूमा कंपनी, दोस्तों आप सबको पता है इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पड्डिकल को बनाया गया है। देवदत्त पड्डिकल और वाशिंगटन सुंदर को, दोनों ही क्रिकेटर हैं। ठीक है, दोनों ही क्रिकेटर हैं। अगला देखते हैं मैकडोनाल्ड इंडिया की दोस्तों इसकी एम्बेसडर बनाई गई रश्मिका मंडाना। कौन? रश्मिका मंडाना। ये मैच देखिए रश्मिका मंडाना की और मैकडोनाल्ड की, ये बनाई गए हैं ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, मैकडोनाल्ड इंडिया की। अगला, पंजाब कोविड वैक्सीन एम्बेसडर, कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर, पंजाब में कोविड के वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए सोनू सूद को बनाया गया है वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर। सोनू सूद दोस्तों कई और ब्रांड के एम्बेसडर हैं, जैसे कि ओयो होटल्स। ठीक है, इसके अलावा एसर इंडिया और स्पाइस मनी। ठीक है, इसके भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इन सबको आपको याद रखना है, सोनू सूद को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने दोस्तों एक संभवम नाम का फ्री IAS कोचिंग के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की है सोनू सूद ने। अगला, वीवो का दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है विराट कोहली को। वीवो चाइनीज कंपनी है और ये दोस्तों IPL की स्पॉन्सरशिप एक बार फिर से पा गई है। IPL 14 जो होने वाला है, आधा हो चुका है, आधा और होने वाला है। ठीक है, तो इसका टाइटल स्पॉन्सरशिप एक बार फिर से वीवो को मिल गया है। पिछली बार का जो IPL हुआ था, IPL 13, उसका टाइटल स्पॉन्सर था ड्रीम इलेवन। कौन था? ड्रीम इलेवन। लेकिन अब वीवो हो गया है और अब वीवो रहेगा अगली बार भी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है स्पोर्ट एक्सचेंज का दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पृथ्वी शॉ को। ये भी क्रिकेटर हैं, पृथ्वी शॉ। ठीक है, और ये युवा क्रिकेटर हैं और इनको स्पोर्ट्स एक्सचेंज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला, डिजिट इंश्योरेंस दोस्तों एक इंश्योरेंस कंपनी है और इसका ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया है डिजिट इंश्योरेंस का। ठीक है, डिजिट इंश्योरेंस, देखिए इमेज देखते चलोगे आप तो फिर इमेज आपकी आंखों में बस जाएगा और आसानी से आपको याद रहेगा।
और इसकी जब मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम पर, तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे तो बहुत ही आसानी से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, टेलीग्राम ऐप अपना ओपन करना है, उसमें एमजेटी एजुकेशन लिख करके सर्च करना है। क्या? एमजेटी एजुकेशन लिख करके आपको सर्च करना है, ठीक है। तो जिसमें जिस ग्रुप में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हूँ उसी ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है, उसी चैनल को ज्वाइन कर लेना है, और फिर वहाँ पर बहुत सारी पीडीएफ भेजी जाती हैं, डेली करंट अफेयर की डिटेल वाली पीडीएफ भेजी जाती है, और इसके बाद ये सभी तमाम जो वीडियोज़ बनती हैं इसकी पीडीएफ भेजी जाती है, तो आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो ऐसा चैनल जुड़ो, ऐसे चैनल से जुड़ो जहाँ पर आपको लाभ मिले, ठीक है, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल्स मिले, पढ़ाई से जुड़ी चीज़ें मिले, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नियो ग्रोथ। नियो ग्रोथ का दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अंजिक्य रहाणे को, ये भी क्रिकेटर हैं। देखिए अमूमन क्रिकेटर जो होते हैं उनको सबसे ज़्यादा बनाया जाता है, इसके बाद जो सेलिब्रिटी होते हैं, हीरो होते हैं, हीरोइन होते हैं, उनको तो बनाया ही जाता है ब्रांड एम्बेसडर। तो सेलिब्रिटी अंजिक्य रहाणे आप पहचान हैं, इनको नियो ग्रोथ का बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। अगला बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया आयुष्मान खुराना को, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस का, ठीक है, आयुष्मान खुराना ये रहे। चलिए अगला देखते हैं, एक्टर हैं ये, बोरोप्लस सोप एंड हैंड वाशेस। बोरोप्लस का साबुन हैंड वाशेस का ब्रांड एम्बेसडर भी आयुष्मान खुराना को बनाया गया है, ठीक है, बोरोप्लस का। ओके अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, हिंदी का जो वीडियो कोर्स आया हुआ है इसका दाम दोस्तों 2 दिनों में बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी 2 दिनों का लिमिट मैंने रखा था, लेकिन कुछ लोग परचेज नहीं कर पाए थे, डाउटफुल थे, और वो लोग कह रहे हैं, फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए बढ़ा दिया जाए, तो फिर से बढ़ा दिया गया है, केवल और केवल 2 दिन के लिए है ये, 199 रुपये में अभी मिल रहा है, इसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। और इसमें दोस्तों वीडियोज़ मिलेंगी आपको, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, सभी प्रकार के चैप्टर कवरअप कराए जाएंगे, अभी भी बहुत सारी अवेलेबल हैं, आप जाकर के उन्हें देख सकते हैं, धीरे धीरे वीडियोस आ ही रही हैं रेगुलर। इसके साथ ही उसका डिटेल नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, हर एक चीज़ की आप डिटेल नोट्स पाए रहोगे, तो कभी भी रिवीजन करना चाहोगे तुरंत ही कर सकते हो, ठीक है। वीडियोस भी आप कितने भी बार देख सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों इसका मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, प्रत्येक चैप्टर का मॉक टेस्ट, कोई भी चैप्टर देखो, उसकी वीडियो देखो, उसका नोट्स पढ़ो और उसका मॉक टेस्ट सॉल्व करो, इतना सब कुछ मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको 199 में। जाइए एमजेटी ऐप पर आपको मिल जाएगा ये, अभी डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं फ्री में, जाइए देख लीजिए उसे। अगला वेगामैन, वेगामैन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रोहित शर्मा है, कौन है, रोहित शर्मा है वेगामैन के, ठीक है। अगला ग्लेनमार्क फार्मा, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है, क्रिकेटर रोहित शर्मा ग्लेनमार्क फार्मा के, ठीक है। अगला यूएन पॉपुलेशन फंड की गुडविल एम्बेसडर, ये नतालिया वोडियानोवा को बनाया गया है, किसे, नतालिया वोडियानोवा को, ठीक है, ये यूएन पॉपुलेशन फंड की गुडविल एम्बेसडर बनाई गई हैं। लेवीज़ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दीपिका पादुकोण को, लेवीज़ का बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर, ये एक अमेरिकी डेनिम ब्रांड है लेवीज़, ठीक है। चलिए अगला सीएट टायर्स, सीएट टायर का ब्रांड एम्बेसडर राणा दग्गुबती को बनाया गया है, राणा दग्गुबती को सीएट टायर का बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। अगला जलवायु परिवर्तन और समाधान राजदूत, यानी कि कहेंगे एम्बेसडर, तो जलवायु परिवर्तन पर, क्लाइमेट चेंजेस पर बनाया गया है राजदूत माइकल ब्लूमबर्ग को, किसे, माइकल ब्लूमबर्ग को। अगला देखते हैं 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड, इसका ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों सेसल ली और जैक्सन ली को बनाया गया है, ये दोनों ही बहन बहन हैं, और इन दोनों को 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए बनाया गया है एम्बेसडर, क्लियर। तो बस दोस्तों ये तो थे ब्रांड एम्बेसडर 2021 के, आई होप आपको यहाँ से जानकारी मिलेगी और ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगी। ब्रांड एम्बेसडर से अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा, सारे के सारे ब्रांड एम्बेसडर मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, 2021 में जो आए हैं। इससे पहले अगर देखना चाहते हैं तो इससे पहले की भी वीडियोज अवेलेबल हैं, 2020 के ब्रांड एम्बेसडर भी अवेलेबल हैं, इसकी वीडियो आपको जाना है चैनल पर और वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइएगा, स्पेशल वीडियोज़ में जाइएगा तो वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर आप लोग ब्रांड एम्बेसडर 2020 मिश्रा जी टेक्निकल लिख करके या फिर एमजेटी एजुकेशन लिख करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी वीडियोज़, ठीक है, तो आप 2020 का भी तैयार कर सकते हो। तो चलिए बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में, और वीडियो को प्लीज शेयर कर देना, अगर आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगला टॉपिक कौन सा हो, किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हो, कमेंट करके हमें बताओ, मैं उस पर वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, टॉपिक का नाम आप लोग जरूर बताओ। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।